सबसे पहले आता है कि बहुत गुस्सा करें। हाँ, क्योंकि देखिए ना, उसमें मेहनत लगती है, हमारा टाइम ज्यादा है, एनर्जी लगता है, तो उसको कुछ तो मिलना चाहिए ना उसका। मैं ये सोचती हूँ कि चलो आज नहीं आ रहा है, कल तो आएगा, तो एक बार में बल्क में पैसे मिलेंगे। पेमेंट तो बहुत बड़ी चीज़ है सर। ऐसे बहुत सारे आंसर्स हैं जो हम नहीं दे सकते, जो दिल की बात है वो दिल में ही रहे, तो ज़्यादा नो कमेंट्स। हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ। भाई, मेरे गाने की पेमेंट इसके पास अभी तक नहीं पहुंची। बहुत है ना, दिल को मतलब दुख होता है। सबसे पहला थॉट ये आता है, हमने ये प्रोग्राम किया क्यों? मैं बस ये सोचता हूँ कि अगर पेमेंट नहीं दे रहा तो इसके साथ अब काम नहीं करना। भी सुना दे, लेकिन वो हम सुना नहीं सकते, तो हमको चुप रहना पड़ता है और हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। सबसे पहले आता है कि बहुत गुस्सा करें। हाँ, क्योंकि देखिए ना, उसमें मेहनत लगती है, हमारा टाइम ज्यादा है, एनर्जी लगता है, तो उसको कुछ तो मिलना चाहिए ना उसका। मैं ये सोचती हूँ कि चलो आज नहीं आ रहा है, कल तो आएगा, तो एक बार में बल्क में पैसे मिलेंगे। नहीं, कोई पेमेंट दे या ना दे, लेकिन हम मांगते जरूर हैं। बैक तो करो भाई। मेरे चेक वैसे भी बहुत, एक दो प्रोग्राम कैसा हुआ था कि बाउंस हो गए थे और वो आए ही नहीं कभी पैसे। आधा पेमेंट आ गया और आधा पेमेंट आया ही नहीं, और वो ऑर्गेनाइजर भी नजर नहीं आया शो के बाद में कि जिसको हम ढूंढेंगे वो किधर गया, आज तक नहीं मिला है वो बंदा। मैं सोचता हूँ कि मैंने एक फिल्म की थी, मुझे अभी तक उसका पैसे एक्चुअली नहीं मिला है। नाम बता दो। नाम नहीं बता सकता ना, ये तो बात है। बस अभी मिल जाएगा। आप होटल में गए और मैं चेक लेके आ रहा हूँ। आप सर स्टेज पे चलो, स्टेज के बैग में मैं आपको दे दूंगा। आप एयरपोर्ट पे पहुंचो, बंदा खड़ा है एयरपोर्ट पे, बंदा मुझे फ्लाइट ले ली, आपको मैं अकाउंट में डालता हूँ, चलो।